महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की खबरें सामने आई, जिस पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने जो गुनाह नहीं किया उनकी सजा राष्ट्रीय हित द्वारा देने का कार्य किया जा रहा है। मीडिया द्वारा मुझे मालूमात मिली है कि मेरी ईडी द्वारा जांच होने वाली है, बीच में सीबीआई द्वारा हुई, अभी ईडी द्वारा। मुझे न किए हुए गुनाह की सजा राजकीय हेतु द्वारा देने का काम किया जा रहा है। मैं जब गृहमंत्री था उस टाइम अन्वय नाइक के केस में या दादरा नगर हवेली के खासदार मोहन देलकर के केस में एसआईटी बैठाया था, उसी प्रकार सीबीआई को जो हमने यहाँ महाराष्ट्र में बंधन डाला था अक्टूबर महीने में निर्णय लिखे कि कोई भी जांच सीबीआई महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन के परमिशन की बिगर नहीं कर सकती, इसके वजह से शायद नाराज होके मेरे ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है ऐसा मुझे लगता है। एक बात है, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस ईडी के जांच में जिस प्रकार मैंने सीबीआई की जांच में सहयोग किया उसी प्रकार ईडी के भी जांच में मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा।